अस्सलाम वालेकुम टॉरस, मैं हरिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ़्ते का तसलसल बयान करने के लिए। पिछले हफ्ते जो पोजीशन, जो कंजक्शन, जो मजमूआ कवाकब की सिचुएशन बनी थी, इस हफ़्ते भी उसी का तसलसल चल रहा है। इसके दो फायदे हैं, छोटे छोटे जल्दी जल्दी बयान करता हूँ क्योंकि मुझे ये सभी स्टार्स के लिए बयान करना है और बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा करना मुनासिब नहीं लगता। मैं कोशिश करता हूँ कि काम की बातें बहुत तेज़ी से बयान कर दूँ। कुछ लोगों को मेरा ये तर्ज़ गुफ्तगू अच्छा लगता है कि टोटल काम की बात होती है, जो हाई इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो तेज़ी से बातों को समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, वो इसे पसंद करते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा अजीब भी लगता है कि हारिस भाई बहुत टू दी पॉइंट बात करते हैं, थोड़ी तफसील बयान करें या किया करें। सो मैं अब दोनों को एट द सेम टाइम राज़ी नहीं कर पाता, बट कोशिश करता हूँ जितना तफसील जहाँ बहुत ज़रूरी हो वहाँ तफसील बयान की जाए और जहाँ ज़रूरी ना हो वहाँ पर डायरेक्ट बात की जाए। सिचुएशन ऑफ प्लैनेट्स इस तरह की बनी हुई है टॉरस के, आपके इस सलाहियतों को पॉलिश करने का मुकम्मल फ्यूल आपको इस वक्त मिल रहा है। आपका वीनस आपके यहाँ पाँचवें घर में है और उसी एरिया में सब सितारों का एक झुरमट, एक ग्रुप एक्टिव है आपके लिए। वीनस कुछ लोगों के लिए, कुछ टॉरियंस के लिए मुस्बत है और कुछ टॉरियंस के लिए मनफी है। जो मुस्बत है उनको रिलेशनशिप में मैक्सिमम एडवांटेज मिलेंगे साल के इस हिस्से में, मैक्सिमम। पांचवें घर में वीनस की पोजीशन आइडियल होती है। जो पांचवें घर में आप बनाएंगे वो सातवें घर में आज से कुछ हफ्तों के बाद जब वीनस सेवन्थ हाउस में आपके लिए होगा तो वो अपने बेनिफिट्स क्रिएट करेगा, बेनिफिट्स मुयस्सर आएंगे और वो बेनिफिट लाइफ टाइम होंगे क्योंकि वो शादी के घर तक पहुंच जाते हैं। एंड वीनस का एक बड़ा ताल्लुक आपके रिलेशनशिप से होता है, आपके लव इमोशन से, आपकी रोमांटिक इमोशन से होता है। पांचवें घर में उसकी बुनियाद मिल जाती है, कनेक्शंस डेवलप हो जाते हैं, सोल एक्सचेंजेस हो जाती हैं या सोल मेट मिल जाते हैं। एंड देन फिर सातवें घर में जाकर वो कन्वर्ट हो जाते हैं लाइफ पार्टनरशिप में। सो फिफ्थ हाउस में इस वक्त वीनस की पोजीशन, आपके रूलिंग की पोजीशन ताकतवर है। इसका फ़ायदा सिर्फ रोमांस का ही नहीं है, इसका फ़ायदा आर्ट एबिलिटी का भी है। व्हेन यू आर प्लीज्ड, व्हेन यू आर ओके, जब आपका माइंड बिल्कुल अच्छे अंदाज से, खुशी से, हशाश बशाश होकर चल रहा होता है तो आप आर्टिस्टिक एबिलिटी से अपने फ़ायदे लेना शुरू कर देते हो। ख़वातीन इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं। ख़वातीन वर्किंग हो या वर्किंग ना हो, हाउसवाइव्स हो, तब भी उन्हें आर्ट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमारे ज़िंदगी की जो अबिलिटीज़ हैं वो किसी फर्म में, किसी इदारे में गुजरती हैं, उनकी ज़िंदगी के हर ही शोबे में उनकी आर्ट अबिलिटी काम आ रही होती, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो घर की ताज़ीन और आयश हो, बच्चों की तरबियत हो, तालीम का शोबा हो, कई शोबों में उनकी आर्ट अबिलिटी उनकी ज़ात से लोगों को फ़ायदा देती है। तो टॉरियन फीमेल्स एंड मेल्स दोनों इस वीनस से फ़ायदा उठाएंगे, बट सारे टॉरियन ने। एक सिचुएशन है, जल्दी जल्दी समझा देता हूँ, कुछ रिसर्च खुद भी कर लीजिएगा। सिचुएशन ये है कि दो फायर नेचर स्टार्स के दरमियान अगर वीनस आ जाए तो वीनस कम्बस्ट हो जाता। ये एक सिचुएशन है जिसमें दो आतिशीन के दरमियान, दो आतिशी स्टार्स के दरमियान जब एक स्टार आता है तो वो अपनी सलाहियतें खो देता है। लेकिन ये सब टॉरियंस के लिए नहीं होगा। जिन टॉरियंस में सूरज और मार्स के दरमियान फासला बहुत कम है, 5 डिग्री का रह जाए या 7 डिग्री, 10 डिग्री से कम होगा तो वीनस कम्बस्ट हो जाएगा और उनको नाराज़गियों का सामना करना पड़ेगा। और जिनके यहाँ वीनस की पोजीशन 10 डिग्री से ज़्यादा है उनके यहाँ ये कम्बस्ट सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी, और जब वो क्रिएट नहीं होगी तो ना किसी नाराज़गी का सामना करना पड़ेगा, ना ही किसी अदरवाइज तकलीफ़ का या ज़हनी कोफ्त का सामना करना पड़ेगा। चीज़ें उसी तरह चलती रहेंगी जैसे कम्बिनेशन में, जैसे इस ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स में चीज़ें इस हफ्ते चल रही हैं। क्योंकि ये हफ्ता पिछले हफ्ते का ही तसलसल है लेकिन मेच्योरिटी लेवल इन्हेंस हुआ है, स्टार्स ने ज़रा क्लोजनेस इख्तियार की है, करीब आए हैं, तो लेवल ऑफ प्लैनेट्स वही है। कुर्बतों की वजह से कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, इसीलिए मजमूआ कवाकब को बहुत अरसे तक बुरा समझा जाता रहा क्योंकि बहुत सारे अच्छे स्टार्स और बहुत सारे मुखालिफ स्टार्स एक जगह जमा हो जाते हैं तो एक दूसरे के असर को ज़ाया कर देते हैं। बट फिर ज़रा और बारीक रिसर्चेज आईं, ज़रा और क्लोज रिसर्चेज आईं तो उन्होंने पोजीशन को चेक करके बता दिया कि भाई ये वाली पोजीशन हो तो कुछ ख़राबियाँ आती हैं, वैसे अदरवाइज़ मजमूआ वाल कवाकब कोई बड़ी डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करता। तो ये सब टॉरियंस के लिए किसी डिस्टर्बेंस की वजह नहीं है, बल्कि अभी जब मैं बेनिफिट्स गिनवाऊँगा तो बहुत बेनिफिशरी है सिचुएशन।
सिर्फ ये वीनस का कंबस्ट सिचुएशन जो है इसको थोड़ा सा आपने ध्यान से लेकर चलना है। जिनके यहाँ नाराज़गियाँ पिछले हफ्ते से आगाज़ कर चुकी हैं उनकी ये नाराज़गियाँ इस हफ्ते भी बढ़ेंगी और अगले हफ्ते भी बढ़ेंगी। लेकिन जिनके यहाँ ये नाराज़गियाँ पैदा नहीं हुई हैं और चांस भी कोई नहीं है नाराज़गी पैदा होने की, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जिनके यहाँ ये नाराज़गियाँ पैदा हो चुकी हैं वो अपना प्लैनेटरी पोजीशन अपने पर्सनल डेट ऑफ बर्थ से एक दफ़ा चेक करा लें कि कहीं उन्हें यही सिचुएशन है कंबस्ट ऑफ वीनस या अदरवाइज़ कोई इशू है। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप रابطہ करेंगे तो उससे आपको प्रोफेशनल अंदाज से आपकी वीनस सिचुएशन का अंदाज़ा हो जाएगा। हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन में अगर कुछ क्राइसिस आए, आपके लव वंस के साथ कुछ प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएं, तो उसकी वजह ये हो सकता है। और इंस्टेंटली पैदा हुए हैं तो उसकी वजह तो फिर फॉर श्योर यही होगा। और अगर कोई पेयर पहले से बहुत मोहब्बत वाले था, इस वक्त कुछ कमज़ोरी आई है, तो उस कमज़ोरी को आप रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके दिल पहले ही मिले हुए नहीं हैं तो फिर ये वाली सिचुएशन उस पेयर को बिल्कुल डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। मरकरी का फ़ायदा कई शोभों को होने जा रहा है, सिर्फ मरकरी का ही फ़ायदा नहीं। पहले मरकरी के फ़ायदे बयान कर देता हूँ। वैसे सन भी एडवांटेजेस देगा, मार्स भी एडवांटेजेस देगा, एंड जो वीनस है वो भी एडवांटेजेस देगा। जिनका कंबस्ट नहीं है, जिनका इशू नहीं है वीनस का, वो भी टॉरियंस को बेहतरीन एडवांटेज देगा। लेकिन मेन एडवांटेज उठाएगी यूथ सेक्टर के एज के लोग जो यूथ में हैं। खिलाड़ी बहुत फ़ायदा उठाएंगे, स्टूडेंट्स बहुत फ़ायदा उठाएंगे। मरकरी की पोजिशन तीन चार तरह से फ़ायदा देगी। एक फ़ायदा तो जनरल फ़ायदा है, वो तो फॉर श्योर है, द मैजिकल इम्पैक्ट इन योर कम्युनिकेशन। टॉरियंस आइडियल कम्युनिकेशन स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट दोनों एक्सपेक्ट की जा सकती हैं इस वक्त मरकरी की पोजीशन से, और सूरज के साथ मिलकर उसकी तरक्की और बढ़ जाएगी। स्पोक्स पर्सन, अगर कोई टॉरियन है और वो किसी का स्पोक्स पर्सन है तो इस वक्त इज्जत पाएगा, परफॉर्म भी बहुत अच्छा करेगा, टू द पॉइंट बात किया करेगा, और बात में बड़ा दम भी होगा। बात जर्नल नहीं होगी, आएँ बाएँ शाएँ पर मबनी नहीं होगी, हकीकत पर मबनी होगी। खिलाड़ियों की स्किल्स, खिलाड़ी तो मोस्टली फिज़िकल स्किल्स से काम लेते हैं, बट माइंड की शार्पनेस उनकी फ़िज़िकल एबिलिटीज़ को बढ़ा देगी। और वैसे भी ये कहावत है कि सेहतमंद दिमाग सेहतमंद जिस्म में ही नशोनुमा पाता है, और ये वाली सिचुएशन मरकरी की खिलाड़ियों के लिए अच्छी बनी। एंड यू नो मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर मेंटल जरखेज़ी, वो जो ज़हनी कारकर्दगी ज़हनी सरगर्मियाँ होती हैं उनके लिए ये बड़ा अच्छा है। तो उनकी अच्छाई जो है वो स्टूडेंट्स के बड़े काम आती है, क्योंकि वो अच्छे अंदाज से अपने ज़िंदगी के अपने मकासद के मामलात को अच्छे फ्यूल से हल कर पाते हैं, मतलब दिमागी फ्यूल उनके पास मौजूद है, अच्छा हल कर पाएंगे। बट बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, मरकरी की ये पोजीशन सूरज के साथ मिलकर विजन्स को ब्रॉड करेगी। तो जो लोग छोटे फोरम्स पर परफॉर्म कर रहे थे टॉरियंस थे, वो बड़े फोरम्स पर परफॉर्म कर लगे करने कर सकेंगे। फिर वीनस की सिचुएशन दिल से ज़रा कम सोचने की तरफ आपको लेकर जाएगी, दिमाग से ज़रा सोच ज़्यादा सोचने की तरफ ले जाएगी। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग जो आपके लिए मुफीद साबित होगी। फिर तीसरी सिचुएशन जो बनी हुई है वो है मार्स की। मार्स और सन के दरमियान में ही तो वीनस है, जिसकी वजह से वो कंबस्ट सिचुएशन पैदा हो रही है। बट मार्स इंडिविजुअल अगर देखा जाए तो पांचवें घर में जॉब स्विचिंग को सपोर्ट कर रहा है। मार्स पांचवें घर में बैन अल-क़वामी हिजरत की इत्तलात दे रहा है। मार्स पांचवें घर में आपको डोमिनेटिंग एबिलिटीज़ दे रहा है, हर तरफ आपकी जो शख्सियत है वो दूसरों पर हावी रहने के चांस हैं। फिर जो कर्ज में फंस गए थे टॉरियंस, वो इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाकर फास्ट अचीवमेंट्स कर सकते हैं और कर्ज वाले मामलात को तोड़ सकते हैं। कोई टॉरियन किसी तोहमत में फंस गया था तो इस वक्त एक्सप्लेनेशंस देना बड़ा इफेक्टिव रहेगा। अगर कोई टॉरियन किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ था कि वो बात करता था और सामने वाला उसकी बात को मक्कारी या चालाकी समझता था, अब जब टॉरियंस उससे बात करेंगे तो वो चालाकी नहीं समझेगा, सामने वाला चालाकी नहीं समझेगा, आपकी बात को तवज्जो देगा। तो आपका इस वजह से वीनस और मरकरी की इस पोजीशन की वजह से आपका पब्लिक इमेज अच्छा होने जा रहा है। शोहरत के हामिल टॉरियंस जो मशहूर ऑलरेडी हैं या मशहूरी के लिए शोहरत के लिए फेस वैल्यू के लिए कोई काम करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ राइट टाइम।
और इसमें एक और प्लैनेट जो कि आठवें घर में है आपके जुपिटर, जो 12 अगस्त से डायरेक्ट हो चुका है, बाहर वो कोई फ़ायदा बहुत बड़ा तो नहीं दे रहा, क्योंकि आठवें घर में वो पॉजिटिव नहीं होता। वैसे भी ये बात मानी जाती है कि आठवें घर में और बारहवें घर में प्लैनेट्स इतना प्रोडक्शन नहीं दे पाते, बट जुपिटर जब बारहवें आठवें घर में होता है तो इससे लॉस लेवल्स या जो खदशात हैं वो कम हो जाते हैं। जैसे कोई बंदा किसी चीज़ को आगाज़ करने लगता है तो उसे पहले ही खदशा ये होता है कि मैं कामयाब हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, तो उस खदशे के में कमी आ जाती है। सो अगर खदशात की कमी है और इधर से अदरवाइज़ एक कंजंक्शन ऑफ स्टार्स मुयसर है, मजमूअल कवाकिब मुयसर है, और उसमें आपका रूलिंग प्लैनेट भी मुयसर है, सन भी मुयसर है, तो आप कुछ इनिशिएटिव अगर अपनी सलाहियतों पर डिपेंड करके भी लेंगे तो कामयाब रहेंगे कुछ अरसे तक के लिए, कुछ महीनों तक के लिए। मान लीजिए कि लक आपके साथ नहीं है, अगर लक आपके साथ नहीं भी है तब भी आप 60% अचीवमेंट के तो कैंडिडेट हैं। उस 60% अचीवमेंट में आप बेहतरीन लाइफस्टाइल अपना सकते हैं, स्टूडेंट्स, प्लेयर्स, कम्युनिकेशन पर्सन्स, पब्लिक इमेज वाले लोग, घरेलू खवातीन, ये सब फ़ायदा उठा सकते हैं। अमराज के लिए भी, मर्ज़ों के खात्मे के लिए जो हमें सराउंडिंग से सपोर्ट चाहिए होती है वो भी इस वक्त हमें मुयस्सर है। एक छोटी सी अजीब खबर है, सैटर्न 9th हाउस में है। 9th हाउस में सैटर्न की पोजीशन अभी तो रेट्रोग्रेड चल रही है, 2 हफ्तों के बाद इसने डायरेक्ट हो जाना है 18 सितंबर को, तो मामलात 9वें घर के अभी जल्दी जल्दी निपटा लीजिए, अच्छा रहेगा। अगर बैरून मुल्क के लिए एप्लीकेशन देनी है तो दे लीजिए, इंटरव्यू देना है तो दे लीजिए, अगर किसी एग्ज़ाम से गुज़रना है तो उस एग्ज़ाम से 18 सितंबर से पहले गुज़रने की कोशिश करिए, तो ये आपके लिए बेनिफिट क्रिएट करेगा। अब आखिरी बात, जिन लोगों के यहाँ वीनस अगर उन्हें पता है कि कम्बस्ट फॉर्म में है, सूरज के करीब है, मार्स के करीब है, तो फिर उन्हें अपनी प्रॉपर रेमेडी की तरफ जाना चाहिए। एमरल्ड या मरजान कॉरल आपको पहनना चाहिए। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि मेरी सिचुएशन कम्बस्ट है वीनस की या नहीं, उनके लिए ये मशवरा रहेगा कि वो अपना नीचे नंबर चल रहे होते हैं उन पर अपना ज़ाती पर्सनल लाइफ चार्ट बनवा लें, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके लव वंस उनकी तरफ मायल होंगे या उनसे दूर भागेंगे। इस हफ्ते जो लकी डिजिट आपका रहेगा वो 5 रहेगा। लकी कलर तो हमेशा ही आपका ग्रीन रहा है, ग्रीन के तमाम शेड्स एंड स्टोन मैंने आपको बता दिया। साथ में अगर मजहबी तौर पर, क्योंकि ये चढ़ते हुए चांद की तारीखें हैं, तो मजहबी तौर पर सूरह शम्स ज़रूर पढ़ें 7 दफ़ा। सदका खैरात भी अपने तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा करें। इस वक्त कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसके लिए मैं ये कहूँ कि ट्रीटमेंट के लिए ही सदक़े की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरत नहीं है। बाकी बीइंग अ मुस्लिम ये हमारी माली इबादत में से बहुत बड़ी इबादत है, सो सदका खैरात वैसे भी करते रहना चाहिए, उससे खैर और बरकत आती। उम्मीद करता हूँ ये दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी और ज़िंदगी के कई शोबों के फ़ैसले, कई सलाहियतों को सही अंदाज से आप इस्तेमाल कर सकेंगे और उससे फ़ायदे उठाएंगे, और जब फ़ायदे उठाएंगे तो अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा करेंगे, और जब अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होंगे तो उस वक़्त मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे हमारी हौसला अफज़ाई हो जाती है। अगले हफ्ते सिचुएशन में और तब्दीली आएगी, उस वक्त नई रिसर्चेज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह ने कहा।